अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली पर कांग्रेस से मुंह मोड़कर आज भाजपा को गले लगा लिया। गैरों पर कर्म अपनों पर सितम सरीखे अंदाज में ज्योतिरादित्य ने इसके साथ ही कांग्रेस से अपना 18 साल पुराना नाता भी तोड़ लिया। मध्य प्रदेश की राजनीति में तेजी से चल रही उठापटक के बीच दोनों ही प्रमुख दल यानी कांग्रेस और भाजपा अपने अपने विधायकों को बचाने के जुगत में लगे हैं। एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का बोलबाला चल रहा है। कांग्रेस ने हालांकि सिंधिया पर वार करते हुए अपने वे एहसान गिनाए जिनसे समय समय पर कांग्रेस ने उन्हें विभिन्न पदों व जिम्मेदारियों से नवाजा था। साथ ही सवाल किया कि इतना करने के बाद भी वह मोदी शाह के शरण में चले गए और कितना सम्मान चाहते हैं ज्योतिराज सिंधिया। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि सिंधिया के जाने के बाद भी मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है, जरूरत पड़ी तो सरकार अपना बहुमत साबित कर देगी। बीते कल होली का रंगारंग त्यौहार था और इस त्यौहार में ज्योतिरादित्य ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर जोरदार तड़का लगा दिया। हालांकि पिछले काफी अरसे से यह खबर हवा में थी कि ज्योतिरादित्य भाजपा के संपर्क में है और वह कभी भी कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। कड़वाहट का अंदाजा उस रोज सार्वजनिक हो गया था जब एक सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया के बारे में मुंह बनाकर कहा था कि उन्हें अब जो करना है वह करें। यही इस अंदाज में कहा गया था जैसे सिंधिया का उनकी नज़र में कोई स्थान न बचा हो। बीते दिवस जब ज्योतिरादित्य ने पार्टी इस्तीफा दिया तो एकाएक कयास भी यह लगाए जाने लगे कि ज्योतिरादित्य ने कौन सी मुंह मांगी का मुराद पूरी होने पर यह फैसला लिया है। भाजपा की तरफ से राज्यसभा में भेजे जाने की बात भी सामने आई है। शुरुआती दौर में पहले 12 बजे फिर 12:30 बजे और फिर दोपहर 2 बजे उनके भाजपा कार्यालय पर पहुंचने की बात कही गई थी। इस विलंब के पीछे खासे कयास लगाए गए लेकिन इस बीच यह साफ कर दिया गया कि विलंब का कारण पार्टी अध्यक्ष नड्डा की उपलब्धता न होना मात्र है, वह भाजपा की सदस्यता ही ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा ने सिंधिया के भाजपा में आने पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। दरअसल प्रभात झा का राज्यसभा में भाजपा की तरफ से जाना तय माना जा रहा था लेकिन सिंधिया के भाजपा में आने से कहीं ना कहीं उनके उम्मीदवार पर कड़ा झटका लगा है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने व भाजपा में जाने का यह फैसला एकाएक न लेकर बेहद सोची समझी रणनीति के तहत लिया है। दोपहर करीब 3:45 बजे ज्योतिरादित्य भाजपा पार्टी कार्यालय पहुंचे जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही कहा कि उन्हें पार्टी की मुख्यधारा में काम करने का मौका मिलेगा। इस मौके पर सिंधिया ने भाजपा में आमंत्रित करने के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व जेपी नड्डा को धन्यवाद दिया। मन व्यथित बताते उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहकर जन अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस आज वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रही है। नए नेतृत्व को मान्यता वहाँ नहीं है। 18 माह पहले जो सपने देखे थे सरकार बनते हुए वे पूरे नहीं हुए। घोषणा पत्र सच्चाई से दूर है। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग और रेत माफिया चल रहा है। आज मूल्यों पर आधारित कोई राजनीति करना चाहता है तो भाजपा उसे यह मंच प्रदान करता है। आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं सिंधिया। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में दो तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं। 10 मार्च 2020 जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मेरे पूज्य पिताजी ने और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय हमें मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा
लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। और तीन मुख्य बिंदु हैं, एक तो वास्तविकता से इंकार करना, और वास्तविकता से इंकार करके जो इबारत लिखी जाती है उसका समावेश न करना, जड़ता का एक जो वातावरण उत्पन्न है, और उसी के साथ जो एक नई सोच विचारधारा, जो एक नया नेतृत्व को सही मान्यता न मिलना। मैं मानता हूं कि इस वातावरण में जहां राष्ट्र स्तर पर ये स्थिति हो चुकी है, वहीं मेरे गृह राज्य में जो मेरा दिल का भाग है, मेरा मध्य प्रदेश, एक सपना हमने पिरोया था जब 2018 में वहां सरकार बनी थी, लेकिन 18 महीने में वे सपने पूरी तरह से बिखर गए। चाहे हम किसानों की बात करें, जहां कहा गया था कि 10 दिन में हम ऋण माफ करेंगे, 18 महीने बाद भी वो नहीं हो पाया है। आज भी पिछले फसल का बोनस ना मिल पाया, ओलावृष्टि की मुआवजा ना मिल पाई, और जो स्वतः मैंने एक आंदोलन छेड़ा था सत्याग्रह का मंदसौर के गोलीकांड के बाद, आज भी हजारों किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनके विरुद्ध आज भी केस आज भी लगे हुए हैं। तो जहां आज किसान त्रस्त है, नौजवान भी बेबस हो चुका है, रोजगार के अवसर नहीं। वचन पत्र में कहा गया था कि हर महीने प्रति माह एक अलाउंस दिया जाएगा, उसकी सूद नहीं। और उसी के साथ जहां रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न हो पाए हैं, वहां भ्रष्टाचार के बड़े अवसर उत्पन्न हो चुके हैं। आज एक ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत का माफिया चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जब ये स्थिति राष्ट्र स्तर पर अलग विडंबना, राज्य स्तर पर अलग स्थिति, और जब सत्य के पथ पे कोई व्यक्ति चलता है, मूल्यों के आधार पर कोई व्यक्ति चलता है, तो तब में मैंने निर्णय लिया कि आज अगर भारत माता और भारत को हमें प्रगति और विकास के रास्ते पे चलाना होगा, तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन दो बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है, और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है,
जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनके सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। इस खबर में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।